Sí, olé, olé, tai. वन मोर मैम सेंटर मैम यो मैम मैम राइट साइड नो सेंटर मैम मैं आया हूँ मेरे को फ्री में मिला नहीं एक सेकंड ना ना आप के करते हैं एक सेकंड बाहर आके करते हैं बाहर आके करते हैं मैं वापस आती हूँ ना वापस आती हूँ ना कल से पक्का है थैंक यू प्रियंका जी आलिया जी मम्मी बनने वाले क्या कहना चाहो आते ही की है प्रियंका चोपड़ा में फर्स्ट एवर मीटिंग किसके साथ यानी के करण जौहर के साथ आपको बताएंगे मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं प्रियंका चोपड़ा की बात की जाए तो 3 साल के गैप के बाद वो इस अपने होम टाउन में अपनी मिट्टी में वापस आई और यही बात है कि उन्होंने जहां जिनका एरोप्लेन नीचे आ रहा था मुंबई के एयरपोर्ट की पिक्चर भी उन्होंने पोस्ट किया वहां पर लिखा ये है मेरा मुंबई ये है मेरा सबसे ज्यादा खूबसूरत जगह मेरे होम टाउन और यही बात है कि उनको अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि शादी के बाद वो अपने लॉस एंजलस में अपने हस्बैंड के घर में शिफ्ट हो गए जहाँ उन्होंने खुद एक नया घर मिलकर बनाया है उसके बाद उनकी बेटी मल्टीमेरी चोपड़ा भी उनके साथ मौजूद है लेकिन यहीं पर करण जौहर के आते ही जिस तरीके से होटल के रूम में इन्होंने अपने करण जौहर को टीवी पर लगाया और फिर उनको देखते हुए उन्होंने लिखा कि करण जौहर के साथ ना मिला जाए अगर इंडिया में आके तो ऐसा कैसे हो सकता है ये बात एक फैंस का कहना है कि करण जौहर जो कि वाकई यहाँ का गढ़ है यहाँ पे प्रोडक्शन का सबसे बड़ा इंसान है जो कि इंडिया में प्रोडक्शन बॉलीवुड में प्रोडक्शन करता है वाकई कैसे हो सकता है कि प्रियंका चोपड़ा और करण जौहर सबसे फर्स्ट एवर मीटिंग आपस में ना करें 3 साल के बाद यहाँ पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इनको मिलने के लिए बेताब है वहीं पर प्रियंका चोपड़ा खुद करण जौहर को मिलने के लिए बेताब है व्यूअर्स आपको प्रियंका चोपड़ा की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से लुक्स जो कि एयरपोर्ट पर नजर आई 3 साल बाद मुंबई के कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।